से आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद और आप देख रहे हैं AH न्यूज। चलिए देखते हैं आज की अहम और खास खबर। मैं जो है अब दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में अभी हमारे इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात किया और एक रिटर्न कंप्लेंट दिया हूँ। शाहीनाजगंज पुलिस स्टेशन का एक रोडी शीटर जिसका नाम है लड्डू यादव, तो कल जो है एक्चुअली इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं एक मौजमजई मार्केट चौरस्ते पे जो बेकरी है उसके बेकरी के ऊपर एक बैनर लगा हुआ था। वो बैनर में ये लिखा हुआ था कि भैरों के लिए सुनाने के लिए कुछ बम धमाकों की ज़रूरत होती है, तो उसमें यह था कि एक तरफ जो है भगत सिंह की फ़ोटो डाली गई और एक तरफ पे नरेंद्र मोदी की, किशन रेड्डी की फ़ोटो और एक रउडी शीटर की फ़ोटो और राम मंदिर के निर्माण की मुबारकबाद थी उसमें फाउंडेशन। तो पहले तो यह है कि राम मंदिर का इंडिपेंडेंस डे से क्या ताल्लुक है बताइए आप। दूसरी चीज़ ये है कि भगत सिंह का राम मंदिर से क्या ताल्लुक है बताइए। तो एक रउडी शीटर ये नारे लगाना, इसकी तरफ से शहर का गंगा जमनी तहजीब और शहर की फिज़ा ख़राब होने के चांसेस थे। तो मैं कल जो है बलदिया ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुतालबा किया कि वो बैनर को निकालो। पहले बल्दिया वाले निकालने के लिए आए तो ये रउडी शीटर एतराज़ किया, नहीं निकालने दिया। उसके बाद में जो है पुलिस की मदद से वो बैनर निकाल दिए। वो बैनर निकालने के बाद से कल से मुसलसिल ये जो लड्डू यादव रउडी शीटर है इन्हें जो है मुसलसिल अपने फेसबुक पे लाइव आकर मेरा नाम लेकर बदकलामी कर रहा है। उसको मालूम होना चाहिए कि अमजदुल्ला खान कौन है। मैं जो हूँ अमानुल्ला खान का बेटा हूँ और बड़े बड़े सुरमा भोपालियों को जो है जो अपने आप को बुब्बिली राव शहर का शेर बोलते थे उसको हम यहाँ से भगा दिए, इन्हें आके लूज टाक कर रहा। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि शहर के हालात बिगड़े, एक मिनट की बात नहीं है कि शहर के हालात को ख़राब करने के लिए, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ कि शहर के हालात। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुतालबा करता हूँ कि ये थर्ड क्लास ये रउडी शीटरों को जो है PD एक्ट में डाल के आप भेजिए, वरना मोहरम और गणेश आने वाला है, हालात ख़राब होने वाले हैं। और किशन रेड्डी जो है यूनियन होम मिनिस्टर की फ़ोटो के साथ एक रउडी शीटर की फ़ोटो लग रही, किशन रेड्डी साहब को भी इसका नोट लेना चाहिए और ऐसे बैनर्स लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए BJP पार्टी में से इनको निकाल फेंकना चाहिए, वरना शहर के हालात अगर ख़राब होंगे तो इसकी राज जिम्मेदार जो है एडमिनिस्ट्रेशन रहेंगी। शुक्रिया।